अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जब्बार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमद सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीकली हॉरोस्कोप 18 से 24 जुलाई, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? एरीस, आपका अपना रूलिंग प्लैनेट मार्स जो है वो बहुत अच्छी पोजिशन में अभी भी जो है वो अपने रूट पर गामजन है। और दूसरी तरफ इस हफ्ते में जो बहुत अहम तब्दीलियाँ हैं, सबसे पहले तो कमर दर अक्रब जो कि लास्ट वीक में होना था और उसकी ये चूँकि ये वाली 18 से हो रही है, 17 से होना था, 17, 18, 19 कमर दर अक्रब, तो अभी तक अगर आपने उसको नहीं सदका दिया तो पहली फुर्सत में उसका सदका दीजिए। शम्स 22 जुलाई को जो है ये लियो में चला जाएगा। लियो वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बल्कि खुशखबरी तो सबके लिए है सवाए विरगो वालों के लिए, और इसके अलावा भी अगर किसी के 8वें हिस्से में आ रहा है तो उसको भी हम देखते हैं कि 8वें घर में भी सन जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं आएगा। अदरवाइज सबके लिए, क्योंकि सन एक सोलर हमारे पास एनर्जी का और हमारे लिए सोल का काम करता है एस्ट्रोलॉजी में, सो ये बड़ा अहम होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। वीनस जो है ये बहुत अच्छा अपनी पोजीशन में जो चल रहा था, अब ये 22 जुलाई को ये भी डेबिलिटेड होने जा रहा है, यानी कि हबूत में जा रहा है। सो ये वो प्लैनेट्स की पोजीशन है जो इस हफ्ते में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जनरल डिस्कशन भी होगी आपसे इस बार, यानी आपकी माली पोजीशन जो है उस पर बात होगी, पर्सनालिटी ट्रेड्स, आपकी एंगेजमेंट, प्रॉपर्टी, सवारी और आपकी लव लाइफ के ऊपर, जॉब, हेल्थ और कुछ बहुत सवेर किस्म के पिछले वीक में बहुत कुछ हमारे सामने इस तरह का आया जिसमें बहुत सारी इंजरीज हुई, हादसात हुए, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। शादी आपकी के ऊपर बात होगी, बैरून मुल्क सफ़र, कैरियर, रोज़गार, इन तमाम चीज़ों पे जो है वो इंशाल्लाह डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले तो जो स्टार्टअप मैं करूंगा वो कमर दर अक्रब से करूंगा। कमर दर अक्रब आपके चौथे घर का हाकिम और आपके जायचे के 8वें घर में जाके ये जो है डेबिलिटी रोल है। 8वां घर किसी भी सूरत इस हवाले से बेहतर नहीं है। आपके वरासती मामलात, आपके मुश्तरका माली मामलात और दूसरों से वाबस्ता आपके जो मफादात हैं उनको जो है वो नुकसान पहुँच सकता है, और ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम का बायस होगा। सो आपको जो है वो बड़ी ध्यान से करना है, कोई स्कैंडल्स वगैरह भी जो है वो आपके सामने आ सकते हैं, सडनली जो है अनएक्सपेक्टेड गेंस जो होने वाले होते हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय करके रख देता है। सो आपको बड़ी एहतियात के साथ इसको देखना है। एक्चुअली हम इसको जो है वो डेथ का हाउस भी कहते हैं 8वें पार्ट को। लाजमी नहीं होता कि ऐसे ही हो, लेकिन बात यह है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी को डिस्कस करते होते हैं तो ब्रॉड माइंडेड होकर हमें सब कुछ डिस्कस करना पड़ता है। बज़ाहिर इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन कमर चूँकि हमारे रोज़मर्रा मामलात से रिलेट करता है, सो इसको ज़रूर ख्याल किया करें। कमर दरअसल अक्सर हमारे जो इमोशंस हैं उसमें बड़ी ज़बरदस्त तब्दीलियाँ लेके आता है जो कि पॉजिटिव नहीं होती, और समटाइम इंसान मायूसी की हालत में बहुत बड़े बड़े स्टेप्स भी ले जाता है। राह चलते लड़ाई झगड़ा भी हो गया, या आप घर से कोई जो है वो तंग होकर निकला तो उसकी ड्राइव ऐसी है कि जो अपने लिए भी उसके लिए हार्मफुल है, दूसरों के लिए भी हार्मफुल है। सो लाजमी है कि आप इसके ऊपर सदका दें, 2 किलो चावल, आटा या दूध का सदका देके आप इसको अपने लिए जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद सन जो कि आपके 4th हाउस में मौजूद था, ये आप ट्रांजिट करके 22 को ये आपके जायचे के 5वें घर में जाएगा। सो घर सवारी प्रॉपर्टी की जो बेनिफिट्स आपको इसने दिलवाए, जो ख़ानदान में बहुत ज़्यादा आपकी पजीराई हुई और आपको बेनिफिट्स मिले, अब ये 5वें घर में जाके मामलात को चेंज कर देगा। 5वें घर में जब ये जाएगा तो इसका अपना घर है, तो सबसे बड़ी जो आपके लिए न्यूज़ है वो ये है कि अगर आप एरीज हैं और औलाद नरीना की ख्वाहिश रखते हैं तो बफ़ज़ले ताला आपको औलाद नरीना का हसूल जो है वो हो सकता है। 2 मेल प्लैनेट जो हैं वो आपके 5वें घर में आ गए, सन और मार्स, और सन और मार्स के माबैन इतना फासला है कि अभी सन जो है वो मार्स जो है वो कंबस में नहीं जाएगा। सो ये दोनों चीज़ें आपको जो है वो मिलेंगी। बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, आपकी लव लाइफ बहुत ज़बरदस्त एंगल पे जो है वो पॉजिटिव मूव लेती हुई नज़र आ रही है, और जैसे मैंने कहा था कि कोई गया हुआ आपकी लाइफ में वापस आ सकता है तो अब उसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके साथ साथ ये सन जहाँ भी जाता है तो उस पर्सन को थोड़ा सा बॉयल भी करता है,
यानी वो इख्तियार इक्तदार अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। सो आपके बच्चों में और आपके जो भी आपका लव वन है उसके मिजाज में आपको थोड़ा सा बोल्डनेस और ब्रेवनेस भी नज़र आएगी और थोड़ा सा आपको जो है वो टेम्पर्ड भी लगेगा। सो इस मामले को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके अलावा इनामी स्कीमों में पार्टिसिपेशन करना आपका बड़ा ज़बरदस्त अब साबित हो सकता है सन के फिफ्थ हाउस में आने में। सन के फिफ्थ हाउस में आने से आपकी नेचर में बड़ा एक मैं कहता हूँ कुशादगी जो है वो आने लगी है। आप बहुत कुछ गेन करेंगे, नॉलेज गेन करने की तरफ जाएंगे और डिफरेंट स्केल पर आपकी इज्जत अफजाई भी होगी। और अगर किसी भी तरीके से आप जो है वो हुकूमती इदारों में कोई आपका असर रसूख है, कोई मामला है, तो फिर आपके जो जिसको हम कहते हैं आपकी पावर में उसमें इजाफा होगा, इख्तदार आपको मिल सकेगा। उसके अलावा एन मुमकिन है कि आपको कहीं कोई एडवाइज़र के तौर पे जो है वो आपको सजेस्ट किया जाए या आपको अपॉइंट किया जाए, जिस भी स्केल पर आप वहाँ से आप जिस भी सिस्टम में बैठे हैं, जिस भी ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ पे आपको अच्छी पोजीशन जो है वो मिल जाएगी। वीनस आपके जायचे के छठे घर में जा रहा है और ये डेबिलेटेड होने जा रहा है। छठा घर आपके वीनस आपके सेकंड और सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है। सेकंड हाउस आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो है। छठा घर आपकी एनिमीज का भी है और आपके एम्प्लॉयज़ का भी है। सातवां घर जो है ये आपके शरीक हयात और शरीक कार का लाइफ पार्टनर हो या वर्किंग पार्टनर हो, दोनों यहाँ से देखे जाते हैं। सो एरीज आपको बहुत ही मोहतात रहना है। देखिए वीकली और उसको बताने का जो मेन मकसद होता है वही होता है कि आपको थोड़ा सा बिफोर टाइम पता चल जाए कि मामला किस तरफ जा रहे हैं और आप उसको अपने लिए थोड़ा सा पॉजिटिव एंगल में मूव ऑन कर सकें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको पता चल सके कि प्रॉब्लम क्या है और आप उसको बैलेंस कर सकें। सो अब आपको मैं स्ट्रांगली कहूँगा कि अपने एम्प्लॉयज़ पे आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। आप अपनी एनिमीज़ को डिफ़ीट करने के लिए भी कुछ पैसे खर्च करते नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा जॉब छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको अगला कई टाइम जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। स्पेशली उस वक्त में एरीज, जबकि आपके टेंथ हाउस का लॉर्ड यानी कैरियर का जो लॉर्ड है वो भी रेट्रोग्रेड है। सो ये थोड़ा सा मामला को डिले की तरफ ले जाता है, स्लो स्पीडेड कर देता है। सो आपको अपने करियर के बारे में बहुत सोच समझ के फैसला करना है, आपको बेहद जो है वो मोहतात रहने की जरूरत होगी। सातवें घर का हाकिम जब छठे घर में आता है तो ये आपके शरीक हयात और शरीक कार के साथ कुछ इख्तलाफी नौयत के मामला को डेवलप करता है। सो यहाँ पे इख्तलाफात जो है वो आपके सामने नुमाया होंगे। डेली वेजिस पे करने वाले जो आपके काम हैं, जो लोग डेली वेजिस पे काम करते हैं, उन्हें भी मुश्किलात का सामना जो है करना पड़ेगा। आपके लिए ज़रूरी होगा 6 किलो या 600 ग्राम चीनी हर जुमे को इसका सदका दीजिए, और इसके अलावा या काफ़ी हो या गनी हो रोज़ाना कम अज़ कम भी मैं कहूँगा 150 मरतबा पढ़ना अपना मामूल बनाइए, अव्वल आखिर 15-15 मरतबा दुरूद पाक के साथ। सो ये तो था एक ओवरव्यू आपके जो इस हफ्ते में प्लैनेट्स जो चेंज हो लगे। अब हम बात करते हैं आपकी माली पोजीशन की। थोड़ा सा मैं आपको बता चुका कि वीनस की वजह से माली पोजीशन आपकी जो है वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। आपके नज़दीकी सफ़र, बहन भाई अजीज़ कारब के साथ आपका रिलेशनशिप ये बहुत अच्छा इंशाल्लाह चलेगा। तहरीर और तकरीर के मामला ये आपके बेहतर रहेंगे। घर में आपके जो है कि छोटे बहन भाई जो है वो बड़ा पॉजिटिव रोल यहाँ पे अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली अब जबकि सन भी आगे जा चुका है, मरकरी बड़ी अच्छी पोजीशन में फोर्थ में आपके मौजूद है। सो इसके अलावा जो आपके प्रॉपर्टी सवारी की खरीद फरोख्त है उसके वाले से मैं कहूँगा कि आपने 17, 18, 19 ये आपने बहुत एहतियात करनी है। इन दिनों में कोई भी सौदे करने से आपको कतई तौर पर गुरेज करना है। घर का माहौल डिस्टर्ब हो सकता है आपके कुछ ज़हनी दबाव की वजह से, और कुछ घर के ऊपर आपको इजाफी अखराजात भी करने पड़ सकते हैं, बरवक्सत का ज़रूर दीजिएगा आप। उसके बाद आपकी जो पांचवें घर की पोजीशन, आपकी लव लाइफ ये भी मैंने बता दी, मंगनी तय पाने के इम्कान बहुत ही ज़्यादा आपके रोशन है। लेकिन मैं आपको समझाऊँगा, बल्कि आप मेरी तरफ से इसको अल्टीमेट समझिएगा, मंगनी जरूर करवा लीजिए लेकिन शादी के मामलात को भी पेंडिंग करना होगा आपको। अकद जैसी तकरीबात के लिए ये वक्त कतई मुनासिब नहीं, जबकि वीनस जो है वो आपके सातवें का होकर छठे में पड़ा हो तो ये कतई बेहतर नहीं है। मैं वंस मोर कहूँगा ये वीकली हॉरोस्कोप है, लेकिन इसमें बहुत कुछ लर्निंग को आपको मिलेगा, स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पर मौजूद होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, उनके लिए बहुत कुछ जो है यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा आपको। इसके अलावा
आपकी शादी जैसे मैंने कहा कि इस वक्त ऐब नहीं पाएगी, बल्कि आपकी तयशुदा जो शादी है वो भी अब कुछ टाइम के लिए पेंडिंग हो सकती है। आठवें घर में कमर दर्द का बहस 17, 18, 19, उसके अलावा आपके विरासती मामलात के जो है वो इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। आप अगर इसका सदका आपने टाइम पे दे लिया तो इंशाल्लाह जो मैंने बताया कि 8th हाउस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसको मैंने ये भी बताया कि 8th हाउस डेथ से रिलेट करता है, उसकी भी आपको इंशाल्लाह परेशानी जो है वो नहीं होगी। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये हमेशा आपके आठवें घर में ही होता है और हमेशा आपके लिए हार्मफुल लिए नहीं हो सकता। इससे डरने की बजाय इसके बारे में एहतियात करने की जो है वो हमें ज़रूरत है। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से मैं अब आपसे कहूँगा कि अब आपके लिए सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जैसे अच्छा, ये सिर्फ प्लैनेट्स की पोजीशन है कि जुपिटर रेट्रोग्रेड है जो कि आपके 9वें 12वें का हाकिम है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप दुनिया के हालात देखेंगे तो वहाँ भी आपको नज़र आएगा कि मामलात जो है वो कम होते चले जा रहे हैं, ट्रेवल्स जो है वो कम हो रहा है, वंस अगेन लॉकडाउन की सिचुएशन जो है वो बढ़ रही है। तो आपके लिए भी जो है वो इस वक्त वीज़ा वगैरह अप्लाई करना बेहतर नहीं होगा। आपके अगेंस्ट होने वाली जो हिडन एनिमीज़ की जो एफर्ट्स थी, अब उसमें भी कमी वाक़ होगी। सुसाली दुकान के साथ तल्लुकात बहुत बेहतर तो नहीं होंगे, लेकिन अब आप उनसे होने वाले नुकसान से जो है वो कम अज़ कम बचते चले जाएंगे। अगले हफ्ते में इंशाल्लाह इस हवाले से मैं आपको जो है वो गुड न्यूज़ दे सकूँगा, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैरी रोज़गार के हवाले से मैं कहूँगा कि चेंज मत कीजिएगा, नई इन्वेस्टमेंट से गुरेज कीजिएगा। दोस्त अहबाब के साथ जो है तल्लुकात बनाए रखना है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको जो है वो मायूसी का शिकार करेंगी, सो इससे आपने बचना है। बेस्ट स्टोन इस वक्त आपके लिए रूबी, ये इसका बहुत ही बेस्ट रोल जो है वो आपके लिए प्ले करेगा। सो रूबी पहनिए और एक अच्छी क्वालिटी का रूबी अपने बॉडी वेट के मुताबिक पहनेंगे तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट देगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कीजिएगा। हमारा सिलसिला सवाल आपके जारी और सारी है, काफ़ी सारी एपिसोड हम उसकी कर चुके। अगर कुछ जानना चाहें मैं फिर कहूँगा वंस मोर, ये डिजर्विंग पर्सन के लिए है और सिर्फ उन लोगों के सवाल इसमें ऐड किए जाते हैं जिनको हम समझते हैं या टीम हमारी समझती है कि ये डिजर्विंग है, इनको हमें जवाब देना है। उन लोगों के साथ अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के साथ एक मुख्तसर सवाल आप इस वीडियो के नीचे एरीज वाले लोग से जो है वो छोड़ सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।